वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ग्रैंड व्यू डिजिटल क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था फोर्स चैप्टर का पार्ट वन, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फोर्स डील किए था। नेक्स्ट हमारा है पार्ट टू, इसमें हम लोग फोर्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। व्हेन टू फोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब कि वो फोर्स है क्या और किस किस तरह से वो बिहेव करता है। व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन सेम डायरेक्शन, द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। कहने का मतलब है कि जब कोई फोर्स, दो फोर्स, ठीक है, टू फोर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब यहां पे देखिए, एक फोर्स किसका है, ये यहां 2% दे रखे हुए हैं, 2% दोनों पर्सन क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इस बॉक्स पे। ठीक है, इस बॉक्स पे फोर्स लग रहा है, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट एफ नेट जो हमारा होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। मान लीजिए कि ये पर्सन फोर्स लगा रहा है एफ वन और ये पर्सन फोर्स लगा रहा है हमारा एफ टू। ठीक है, अब ये दोनों पर्सन अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां पे क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ दीज टू फोर्सेज। मतलब सम ऑफ दीज टू फोर्सेज, जो ये बंदा एफ वन लगा रहा है एफ वन प्लस ये जो बंदा F2 लगा रहा है F2, ठीक है, यहाँ F1 F2 क्या है, तो फोर्स बाय द फर्स्ट पर्सन एंड फोर्स बाय द सेकंड पर्सन। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स जो होगा, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, द नेट रिजल्टेंट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू फोर्सेज। यहां पर देखिए सेकेंड, when two forces act in opposite direction, the net resultant force is the difference of these two forces. मतलब अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि जब सेम डायरेक्शन में लग रहा था तो F net हमारा F1 और ये F2, जो हमारा F net था F1 और F2 आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए इसको हम लोग बोल देते हैं F1 और इसको बोल देते हैं F2, दोनों का क्या है, डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट है, तो अपोजिट होने के केस में क्या होगा, डिफरेंस ऑफ दीज टू फोर्सेज, मतलब एफ वन माइनस एफ टू। तो यहां पे जो एफ नेट आएगा वो होगा एफ वन माइनस एफ टू। मतलब अब डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड पे, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है एफ वन का तो वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है एफ टू का तो फिर उस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहां देखिए एफ नेट, मतलब कहने का मतलब है अगर ये F1 फोर्स ज्यादा लगा रहा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसका, मान लीजिए कि ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बॉक्स किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, और बॉक्स पे नेट फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा 5 न्यूटन का इन द डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझ में आ गया किस तरह से बिहेव करता है अगर दो या दो से अधिक फोर्स लग रहा हो तो। अगर सेम डायरेक्शन में है तो सम होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो डिफरेंस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन ईच अदर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। यहां पे देखिए, टू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर, क्या कह रहा है, दो फोर्स अगर दोनों यहां पे सेम है, F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में है, और दोनों का 10-10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो जो हमारा F नेट आएगा, F नेट हमारा क्या था, F1 माइनस F2, यानी कि 10 माइनस 10 यानी कि क्या हो जाएगा, जीरो, कुछ भी नहीं, फोर्स लग रहा है बट उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जीरो, कुछ भी नहीं आएगा रिजल्ट। तो वही पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कोई वर्क नहीं करेगा, कोई किसी काम को नहीं करेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक था फोर्स का, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स किस किस टाइप से इफेक्ट करता है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया कि फोर्स किस तरह से एक्ट करता है, फोर्स अगर कहीं पे लगता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स के बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, अब देखेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या क्या प्रभाव डाल सकता है फोर्स। यहां पर देखिए, इट मे सेट अ बॉडी इन टू मोशन, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है
उसको जब हम फोर्स लगाएंगे, धक्का देंगे, तो क्या होगा, रेस्ट से मोशन में वो जा सकता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे सेकंड वाला, ये क्या है, बॉल है, रग्बी बॉल है, ये यहाँ पे रखा हुआ है स्टिल, ठीक है, यहाँ पे स्टिल है अभी, मतलब यहाँ पे किस में है, रेस्ट में है। अब यहाँ से जो प्लेयर है, प्लेयर क्या करता है, इसको किक करता है, किक करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब अभी बॉल किस में था, रेस्ट में था, किक किया, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद ये किस में आ गया, मोशन में, मतलब रेस्ट से ये मोशन में ऑब्जेक्ट को डाल सकता है अगर फोर्स लग रहा है उस पर तो, ठीक है। यहाँ पे फोर्स प्लेयर कौन सा लगाएगा, मस्कुलर फोर्स लगाएगा, प्लेयर अगर किक कर रहा है तो वही फोर्स इस ऑब्जेक्ट को यानी कि इस बॉल को रेस्ट से मोशन में डाल देगा, ठीक है। इट में ब्रिंग अ बॉडी टू रेस्ट। अब सेकेंड में देखिए, बास्केटबॉल प्लेयर है कोई, उसके पास अगर बॉल आता है तो क्या करता है, कैच करता है, फोर्स लगाता है उसमें, मतलब बॉल क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लेयर खड़ा है, ये आपका प्लेयर है, ठीक है। अब इसे इस बॉल को रोकना है तो ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स लगाएगा, और फोर्स कितना लगाना होगा, जिस फोर्स से ये बॉल आ रहा है उससे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा ताकि ये इस बॉल को रोक सके, रेस्ट में ला सके, ठीक है। तो फोर्स क्या करता है, कभी कभी मोशन में जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको रेस्ट में भी ला सकता है। क्रिकेट में आप देखते होंगे कि बॉल हवा में गया और बॉल को कैच करते हैं, तो बॉल क्या है, एक सर्टेन मोशन में है, और जब उसको कैच करते हैं तो उसको हम लोग रेस्ट में लाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उससे ज़्यादा रखना होगा ताकि ये बॉल रेस्ट में आ जाए। इट में चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट में चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग जाए, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी मोशन में है, और इसी में सेम डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाए, एफ फोर्स लग जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स से जा रहा होगा और इस डायरेक्शन में फिर से फोर्स लगेगा, मतलब अब जब इसका नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स वो क्या होगा, F1, F2, नेट फोर्स हो जाएगा हमारा F1 प्लस F2, मतलब ये F नेट हो बढ़ गया, F1 प्लस F2 सेम डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये इंक्रीज करेगा, फोर्स क्या होगा इसका, इंक्रीज कर जाएगा। इट में ब्रिंग, यहाँ पे देखिए, इट में चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे चेंज करेगा, यहाँ पे दे रखा हुआ है, फुटबॉल खेलते हुए देखते होंगे आप लोग, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बहुत सारे क्या है गेम्स हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि बॉल को एक प्लेयर मारता है, दूसरे प्लेयर के पास वो पहुंच जाता है, कैसे, क्योंकि जब वो उसको हिट करता है, कुछ फोर्स लगाता है, फोर्स लगाने पे क्या हो रहा है, उसका सामने तरफ बॉल आ रहा है, जब वो उसको किक कर रहा है तो वो किसी और प्लेयर के पास चला जा रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है। तो फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। इट मे चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज कर देता है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्ले है, क्ले, क्ले को जब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रेस कर रहे हैं, मतलब इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, इसका शेप चेंज हो जा रहा है, अभी ये स्फीयर की शेप था, अभी क्या हो गया, फ्लैट हो गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी तरह बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं, रबर बॉल ले लीजिए, रबर बॉल को जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, फोर्स लगता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, वो अलग बात है कि वापस से वो अपना शेप रिगेन कर लेता है। मिट्टी हो गया जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, पॉटरीज बनाते हैं, पॉटरीज में क्या होता है, गीली मिट्टी रहती है, गीली मिट्टी को हम लोग आकार देते हैं, शेप चेंज करते हैं, किससे, उस पर फोर्स लगाकर। तो क्या कर रहा है कि हाँ, इट में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप और साइज भी चेंज कर सकता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेज, यहाँ पे देखिए कुछ इफेक्ट्स दे रखे हैं फोर्स के। बिफोर रबर बैंड, मतलब पहले क्या था, इसे स्ट्रेच कर रखा था, यहाँ पे देखिए ये रबर बैंड को क्या कर रखा है, स्ट्रेच कर रखा है, आफ्टर जब रिलीज कर देते हैं इसे तो क्या होता है, वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले रहा है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेच है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए शेप चेंज हो जा रहा है, फोर्स जब इस पर लगा हुआ है तो क्या हो रहा है, शेप चेंज हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे स्पॉन्ज है, ये क्या है, स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को जब दबा के रखते हैं तो क्या, उसका शेप चेंज हो गया,
इसका ओरिजिनल शेप क्या था, जब उसको छोड़ दें तो ये अपने वापस से रेक्टेंगुलर शेप में आ गया। सेम कैसे यहाँ किसके साथ, स्प्रिंग के साथ। यहाँ पे स्प्रिंग को हम लोगों ने क्या कर रखा है, दबा के रखा हुआ है, स्क्वीज कर रखा है, जब इसे छोड़ेंगे तो ये वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे सबका शेप चेंज हो रहा है और ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेटिंग द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से समझेंगे। कैलकुलेटिंग द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, अभी तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फोर्स देखा, उसका कैरेक्टरिस्टिक देखा, उसका इफेक्ट देखा, अब जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितना फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ये कैसे देखेंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करना होगा, फोर्स इज इक्वल, कह रहा है यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। मोमेंटम आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो एक बार बता देता हूं। मोमेंटम हम लोग कहते हैं मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब ये हो गया हमारा मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। अब कह रहा है फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। अब चेंज इन मोमेंटम इन पर चेंज इन टाइम, यानी पर यूनिट टाइम, तो इसको अगर रेट ऑफ चेंज करेंगे तो मास क्या है हमारा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये बाहर रह जाएगा, और वेलोसिटी जो है हमारा ये वेरिएबल है। अब वेलोसिटी को अगर हम लोग किसी रेट से चेंज करते हैं, ठीक है, किसी रेट से अगर हम लोग वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हम लोग वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। मतलब क्या है, क्या रहा है यहाँ की, फॉर अ कॉन्स्टेंट मास फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन, यानी कि फॉर अ कॉन्स्टेंट मास, जो कि मास हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, कभी कभी वेरिएबल होगा लेकिन मैक्सिमम केस में कॉन्स्टेंट होगा, आपको अभी कॉन्स्टेंट ही मिलेगा, तो इस पर कोई टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, चेंज किस पे, किसके साथ होगा, वेलोसिटी के साथ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अगर चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये होता है हमारा फोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए दे रखा हुआ है F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है। F यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, फोर्स, M डिनोट कर रहा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और A डिनोट कर रहा है यहाँ एक्सेलरेशन, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट किसी फोर्स से अगर आगे बढ़ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन। यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया कि किस तरह से उसे हम लोग निकालते हैं, जो हमारा फोर्स है उसे, ठीक है। नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना जरूरी है कि फोर्स क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं उसके यूनिट की, फोर्स की यूनिट की। मास का यूनिट क्या होता है हमारा, केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम लोग फोर्स की यूनिट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर्स इक्वल्स टू फोर्स के यूनिट की बात करेंगे मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा फोर्स का यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन, यानी कि एन, शॉर्ट फॉर्म एन से इसे डिनोट किया जाता है, क्लियर है। यूनिट कैसे निकाला गया है, मास के यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो जब कंबाइन करेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि होता है न्यूटन, वन न्यूटन बराबर वन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। तो ये था हमारा यूनिट और ये था हमारा फोर्स कैसे निकाला जाता है इसका। अब आता है हमारा नेट फोर्स फॉर्मूला। नेट फोर्स, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हुए हैं, जिसको हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स कहा था, एफ नेट बोला था। तो द नेट फोर्स इज द फोर्स विच इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे साइमल्टेनियसली फोर्स लग रहा है, एक साथ बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो उसका जो एफ नेट होगा वो सबका सम होगा। अब देखना क्या है हम लोग को, कि मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे इस डायरेक्शन में F1 लग रहा है, इस डायरेक्शन में F2 लग रहा है, और इस डायरेक्शन में F3 लग रहा है, तो जो हमारा F नेट आएगा वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3। अब अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका साइन क्या हो जाएगा,
निगेटिव यानी कि प्लस माइनस एफ थ्री। यहाँ पे जो निगेटिव साइन आएगा वो डायरेक्शन को डिनोट करता है। अपोजिट डायरेक्शन होने पे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन रहेगा तो सम ऑफ द जितने भी फोर्सेज है उनका सम, और अगर अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो जितने भी फोर्सेज है उनका डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, सेम भी है और अपोजिट भी है। तो सेम और अपोजिट के केस में क्या करेंगे, सबको सम करेंगे, लेकिन जो भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं वो निगेटिव में जाएंगे। यहीं पे अगर एफ फोर इस डायरेक्शन में लगता तो यहाँ पे प्लस एफ फोर करते, यानी कि प्लस माइनस एफ फोर। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को, मतलब एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर, लेकिन एफ थ्री और एफ फोर क्या होगा, निगेटिव। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ वन प्लस एफ टू माइनस एफ थ्री माइनस एफ फोर। बट फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, ये रहेगा एफ नेट बराबर एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ एन, यानी कि जितना भी फोर्स लग रहा होगा वो सभी। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तभी हम लोग निगेटिव करेंगे, और नहीं है सेम डायरेक्शन में तो सभी को हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। ये है हमारा एफ नेट का फॉर्मूला। अगर इनकेस कभी सवाल पूछ दिया जाए आपको कि दो एक सेम डायरेक्शन में अगर दो फोर्स लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो आप उन दोनों को सेम ऐड कर सकते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो निगेटिव कर सकते हैं। अगर दोनों दे रखा है अपोजिट डायरेक्शन में तीन फोर्स है और निगेटिव सेम डायरेक्शन में तीन फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स है, तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे और अपोजिट डायरेक्शन वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस चीज को हमेशा क्लियर रखिएगा। ओके, तो ये था हमारा फोर्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारा फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हुआ है जो आपके एक लेवल तक है। अब कुछ क्विक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दे रखे हुए हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस जो कि आप लोग अभी तुरंत में सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। और फर्दर आगे के लिए वर्कशीट्स मिलेंगे आप लोगों को, नोट्स मिलेंगे, वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनसे आपके कॉन्सेप्ट आगे भी क्लियर होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन क्या है, इसमें आप तुरंत में जवाब देके देखें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। क्या है, पहला सवाल है एटलीस्ट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड टू अप्लाई अ फोर्स। ठीक है, दूसरा सवाल गिव थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का तीन एग्जाम्पल देना है। नेम द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉल ऑफ डो टू मेक अ फ्लैट चपाती। फोर्स का नाम बताना है जो कि बॉल ऑफ डो मतलब जो आटा होता है उसके डो पे चपाती रोटी बनाने के समय लगाते हैं हम लोग। चौथा सवाल है डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करेगा जब कोई दो एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया है तब, उन दोनों के आपस के बीच में। पांचवा सवाल है व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का सिमिलैरिटी बताना है। और लास्ट सवाल है व्हाट आर द थ्री इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट्स। तीन इफेक्ट के बारे में आपको बताना है, एटलीस्ट तीन इफेक्ट। ठीक है, इनसे आपका क्या होगा, चेक कर लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो वापस से वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। यहाँ पे आपका फोर्स यानी कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग घर बैठे तैयारी कीजिए ग्रैंडव्यू डिजिटल क्लासेस पे, और अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।